विधायक नरेंद्र ठाकुर ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भारी बरसात में हुए नुकसान का जायजा लिया तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को अपने अपने विभाग से संबंधित सड़कों, पेयजल योजनाओं तथा अन्य कार्यों को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत ललीन के अंतर्गत कोटला गाँव में भारी बरसात से क्षतिग्रस्त हुए दो मकानों का जायजा भी लिया। कोटला गाँव की सिमरो देवी पत्नी राम प्रकाश, जिसका मकान भारी बरसात के कारण पूर्ण रूप से ध्वस्त हुआ है, तथा राजेश कुमार पुत्र बिहारी लाल के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकान का जायजा भी लिया तथा इन दोनों परिवारों को सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन भी दिया। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि भारी बरसात के कारण जिला में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में दो मकानों पर मलबा गिरा है, जहां पर जाकर स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि जगह जगह पर सड़कें टूट गई हैं और लहासे भी गिरे हैं। विभागीय अधिकारियों को सड़कों को बहाल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को फौरी राहत प्रदान की जा रही है। रात जो बारिश हुई है, मैं ये समझ कई सालों के बाद भयानक बरसात जो हमें देखने को मिली, और सुबह ही हमें हर जगह से सूचना मिली कि बहुत ज़्यादा नुकसान सड़कों का, घरों का हुआ है। तो मेरी कंस्टिट्यूंसी में दो जगह लगभग तीन मकान जो है पूरी तरह डैमेज हो गए हैं, और एक उखड़ी में और दो हमारी ललीण पंचायत है, इसमें लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक मकान तो 100% ही डैमेज हो गया है। मैंने तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, मौका देखा जाकर वहाँ के, और दूसरा जो मकान था उसमें सारा मलबा घुस गया है। लेकिन जहाँ जहाँ भी हम गए, सड़कें इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है, सड़कें जगह जगह से टूट चुकी हैं, और लगभग ये जो नुकसान मुझे लग रहा है ये लाखों में नहीं, ये करोड़ों में हमारे हमीरपुर जिला में, हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी में ही हुआ है। तो लगता है कि सरकार के एक ये चैलेंज है, चुनौती है कि इतने बड़े डैमेज को इसकी ज़्यादा मेंटेनेंस जो है वो आने वाले समय में हमें करनी पड़ेगी। हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं, और जिनका बेचारों का नुकसान हुआ है, हमने मौके पे डायरेक्शन जहाँ जहाँ हेल्प की जरूरत थी वहाँ हेल्प दी है, और तुरंत ही जो भी जरूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं हमें उनको पूरी करने को कहा है, और जैसे ही पूरी हो जाएंगी हमें तुरंत वहाँ पे जो भी मैक्सिमम फौरी राहत होगी हम दिलाने की कोशिश करेंगे। और हम सरकार में हैं, सरकार से भी हम पूर्णतया मुख्यमंत्री जी से ये पक्ष रखेंगे कि भी वार्ड लीव में हमें जितना भी पैसा मिले, ताकि जो भी सड़कों का नुकसान हुआ है, जो भी हमारे किसान भाइयों की ज़मीन लैंडस्लाइडिंग की वजह से ख़राब हुई है, फसल का जो नुकसान हुआ है, हम पूरी तरह प्रयास रहते हैं कि उनका इसे हम सरकार जो उनका भरपूर सहयोग देगी, और इस आपदा से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है।